है कि वुजू जो है वो ना करें, तो मैंने हज़रत को थोड़ा सा कहा कि वुजू ना करें, कोई मसला नहीं है, तो आप तयम्मुम कर लें। तो अल्लाह साहब फरमाते हैं कि आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है कि मुझे ये नक्सीर जिसे कहते हैं कि उस नाक से खून का बहना, तो कहते हैं कि नाक से मेरा खून बहना शुरू हो गया और वो इतनी बीमारी पड़ गई कि मैं ना वुजू कर सकता था और ना ही जो मैं सजदा कर सकता था, ना मैं ज़मीन पर सजदा कर सकता था। तो इस वजह से कहते हैं कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, मेरा अंदर से दिल जो है ना वो बड़ा गमज़दा था कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा नहीं कर सकता, मैं जो हूँ ये है अहले तौहीद की शान, कि वो कहते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा नहीं कर सकता। तो हज़रत अल्लामा साहब फरमाते हैं मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की कि या अल्लाह की जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, जब तक हयात रहूँ, तब तक एक रूह की नेमत और एक सजदा की नेमत, ये तो अपने वो आखिरी आयाम तक, ये आखिरी चंद दिन रहे हैं हज़रत जो हज़रत के रहे हैं, दिन जो है वो इस तरह पर रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वो रमज़ान के रोज़ा भी रखा करते थे, रोज़ों के बाद जो है आप जो है तरावी भी 20 रकत पूरी पढ़ा करते थे, 20 रकत मुफ्ती फैज़ुर रहमान साहब कहा करते थे कि हज़रत कि आप जो है खड़े होकर ना पढ़िए, बैठ के कुर्सी पर पढ़िए, लेकिन हज़रत फरमाया करते थे कि नहीं मैं सजदा ही करूँ। तो आखिर तक जो है वो सजदा जो है अल्लाह ताला ने मोहताजी से भी उनको बचाए रखा, किसी की मोहताजी जो है वो उनको अल्लाह ने पूरी करने नहीं, वो सिर्फ डाला ही नहीं कि वो सारी बस एक बहुत बड़ी शख्सियत।